Hello friends, students and viewers. Once again, I am in front of you with further topic of the chapter Trade and Territory. In last class, I just discussed about one of the important topic, or you can say important policy adopted by Britishers to annex more and more regions of India, right? So today I will discuss one more policies. With help of this policy, no doubt Britishers just acquired and annexed many more states of India. So dear students, today's topic is the doctrine of lapse, right? Doctrine of lapse, this is a policy under which the doctrine was declared. A place or a state is declared doctrine. Right, before coming to the point, just telling you something about the background. Actually, when this policy was adopted, instantaneous Governor General of India was Lord Dalhousie. Right, so this is a policy devised by Lord Dalhousie, right? He was Governor General from 1848 to 1856. And this policy was adopted in 1848, right? This policy helped Britishers to annex many more states of India, right? And this will help to the motive of the Britishers of expansion of British ruling in India. Now, as per the policy, the doctrine declared that if an Indian ruler died without natural male heir, right, his kingdom would lapse into the hands of the Britishers. Means what? ऐसा इस policy के तहत था कि कोई भी Indian ruler अपने natural male ईयर माने यहां पर होता है उत्तराधिकारी. अगर उसे अपना कोई पुत्र संतान नहीं होता है, उस कंडीशन में वो जो राज्य होगा वो राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा, वो डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड हो जाएगा और उस पर जो रूलिंग हो जाएगी वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा. इस पॉलिसी को फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा था विच वॉज एडॉप्टेड इन 1848 एंड इंस्टेंटेनियस गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड डलहौजी. इस पॉलिसी के तहत कोई भी इंडियन साम्राज्य, राइट, जिस के राजा का अपना नेचुरल मतलब अपना पुत्र संतान अगर नहीं होता था तो उस कंडीशन में वो किसी को एडॉप्ट नहीं कर सकता था, वो गोद नहीं ले सकता था और गोद ले लिए हुए पुत्र को वो क्या है अपना रूलर्स डिक्लेयर नहीं कर सकता था. और इस पॉलिसी के तहत ऐसे जो रीजन्स थे, ऐसे जो एरिया होते, वो जो है ब्रिटिशर्स टेरिटरी के अंदर में आ जाता. तो ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स का एक ऐसा था जिस पॉलिसी के तहत वो बहुत सारे रीजन्स को अपने कब्जे में कर सकता था. और इस पॉलिसीज को 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एडॉप्ट किया गया, राइट? डियर स्टूडेंट, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज अ पॉलिसी अंडर विच इफ अ रूलिंग एरिया डोंट हैव देयर ruling areas rulers don't have their natural male heirs in this situation after his death their ruling territory be acquired by Britishers, right? Kehta hai it will be as I told you whenever the death of the rulers it will be part of the company territory, right? Now due to this policy, what influenced happened? Due to this policy, what happened? Few of the important kingdom was just comes under the British ruling. And it was initially started in the adopting years, 1848, right? In जिस समय इस पॉलिसी को लागू किया गया उसी साल में पहला ये देखने को मिला कि
सतारा को 1848 में, सतारा को 1848 में ब्रिटिश रूलिंग के तहत में एनेक्स कर लिया गया। सेकेंड 1850 में संबलपुर को, थर्ड उदयपुर को 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को 1854 में। 1854 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा, और आगे हम चैप्टर जब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन झांसी में जब अक्वायर करने का, एनेक्स करने का पॉलिसीज को इसको अडॉप्ट किया तो उस बात क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ था। एक्चुअली आपने देखा मूवी अगर बनी कर्णिका आपने देखा होगा तो लक्ष्मीबाई का जो पुत्र जो होता है वो जन्म के साथ ही मर जाता है, इसलिए वो गोद लेना चाहता है। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि उसके बाद क्या होगा, रूलर्स के मरने के बाद वो एनेक्स कर लिया जाएगा, जिसका काफ़ी मतलब कि विरोध हुआ। और लास्टली क्या हुआ, 1854 में झांसी की रानी युद्ध में लड़ते हुई जो है सो मारी गई, और उसके बाद जो है 1854 में इसे एनेक्स्ट कर लिया गया। उसके बाद देखा जाए 1856 में, लास्टली 1856 में अवध को एनेक्स किया गया। जब इतने कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटली और वेरी कंफर्टेबली सारे रूलर्स ने अपने आप को सरेंडर कर लिया, ठीक है। बहुत जगह पर स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल होने के बाद मतलब कि वो रीजन्स ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गया, बिकॉज उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी भी था। इसके आगे हम आप स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध ब्रिटिश हैड एडेड एन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो जब 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी उसको जब एनेक्स कर रहा था, तो उसके साथ ही एक स्टेटमेंट भी उसने दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि दे सेड दैट दे वेयर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। ऐसा कहना था ब्रिटिशर्स का कि पूरे अवध में नवाब के द्वारा सही ढंग से रूलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, मिसगवर्नमेंसी वहाँ पे है, मिसमैनेजमेंट है। तो उस मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करने के लिए और पीपल्स को मतलब बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, बेटर प्रिविलेजेस देने के लिए, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स प्रोवाइड करने के लिए वो ऐसा मतलब उसको क्या करते हैं, अवध को अक्वायर कर रहे हैं, अनेक्स कर रहे हैं। लेकिन जिससे कि एक और ये था कि ब्रिटिशर्स पीपल्स का रिवोल्ट नहीं चाहते थे। पीपल्स, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ब्रिटिशर्स कभी ये नहीं चाहते थे कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पब्लिक को फेस करना पड़े और पब्लिक का विरोध उसको सामना करना पड़े। इसलिए इसने जब ये आर्ग्यूमेंट बनाया तो जो अवध के जो लोग थे वो अपने नवाब से काफ़ी मतलब उनको काफ़ी लाइक करते थे, ठीक, काफ़ी प्रेज करते थे, काफ़ी ऑनर देते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, उन्हें लगा हमारे साथ तो ऐसी कोई मिसगवर्नमेंसी तो हो नहीं रही है। इसके बाद जाकर के अवध के जो लोग थे वो मतलब डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश रूलिंग के अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग के अगेंस्ट में वो खुल करके विरोध करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड व्हेन दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स दैट द रूलिंग ऑफ द अवध इज नॉट गुड, सो इट्स देयर ऑब्लाइज्ड ड्यू टू टेक इम्प्रूवमेंट इन रूलिंग, दैट्स वाई द ब्रिटिशर्स जस्ट एनेक्सिंग अवध। आफ्टर दिस व्हाट जस्ट हैपेंड, इनरेज्ड विद द ह्यूमिलेशंस पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसी का परिणाम था कि 1857 में जब रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, तो ये जाकर के ये अवध के जो नवाब के सपोर्ट में वहाँ के किसान पीजेंट सारे लोग खुल करके जो विरोध करना शुरू किए थे और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसा पॉलिसी था जिस पॉलिसीज के तहत बहुत सारे ब्रिटिशर्स का रीजन जो था वो रीजन्स क्या, बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के रीजन्स को क्या कर लिया गया था, एनेक्स्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक में एक और पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बट डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन नोट्स एंड लिसन वीडियो कंटिन्यूअसली completely. Thank you. Have a nice day.